हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन दबा लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और सुनिएगा आज का मोटिवेशनल कोट, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर कुछ करने का जुनून तुम्हारे दिल में हो तो ये सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। ये मंजिल अगर पहाड़ है तो तुम भी मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ना नहीं। तो जाओ मैदान में, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेशन सिस्टम के बारे में। आपके द्वारा खाना खाया गया भोजन किन किन अंगों से होकर गुजरता है, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम क्या होता है? ये खोपड़ी क्या है आपका? सिस्टम है। इसमें कितनी हड्डी होती है? इसमें 8 हड्डी होती है। ये सिर क्या है आपका? ये सिर जो देख रहे हैं ये क्या है आपका? ये सिस्टम है। इसमें कितनी हड्डियाँ होती है? तो 29 हड्डी होती है। मैंने हड्डियों का क्लास मैंने अच्छी तरह से दे दिया है, अगर नहीं देखे तो जाकर के आप उसको देख लेंगे अच्छी तरह से। अब आते हैं पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? तो बहुत सारे तंत्र मिल करके आपका खनवा को जो पचाते हैं ना उसको बोलते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम इसी को बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं पाचन। पाचन होता क्या है? पाचन जो होता है जटिल चीज़ों को तोड़ने का, सरल बनाने का काम करता है। अगर आप रोटी का टुकड़ा अगर मुंह में आप लेते हो तो उसको छोटे छोटे भागों में आप करते हो तब तो उसको अंदर ले आते हो। तो छोटे छोटे भागों में करना, जटिल चीज़ को छोटे छोटे भागों में करना, सरल बनाना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है, पाचन कहलाता है। दूसरा समझते, दूसरा क्या है? दूसरा इसका है फिजियोकेमिकल प्रक्रिया। ये क्या है? जब आप भोजन को मुंह में लेते हो तो उसको चबाते हो, थूरते हो, कूचते हो, मतलब जितना अच्छा तरह चबाना हो गया सब काम करते हो, दांतवा से करते हो। इसलिए दांत को पहले मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, ठीक है, ताकि यहाँ पर दिक्कत ना हो। तो सब काम करते हो ना तो फिजियो के प्रक्रिया कहलाता है। ये फिजियो प्रक्रिया कहलाता है। दांत से चबाना, कूचना, थूरना सब क्या कहलाता है? थूरते कूचते हो क्या कहलाता है? फिजियो प्रक्रिया। अब केमिकल प्रक्रिया क्या होता है? केमिकल प्रक्रिया जब होता है, जब मुँह में होता है, ये भी मुँह में होता है, लार से आप जीभ से क्या करते हो, पूरा लार से लभेड़ते हो उसको पूरी तरह से। पहले तो चबा लेते हो, थूर लेते हो, कुछ लेते हो, पहले सब जो खाना खाते हो उसके बाद लार से लभेड़ते हो, पूरा लभेड़ने के बाद तब उसको अंदर ले जाते हो। ठीक है, अंदर ले जाते हो तब वो क्या कराता है? फिजियो केमिकल प्रक्रिया। कहाँ होता है? तो मुँह में होता है। ठीक है, आगे समझते हैं। जब आप खाना खा लेते हो तो आपको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, तभी तो आप काम कर पाते हो। कोई काम कर पाते हो किस कारण से? आपको ऊर्जा मिलता है तब तो भोजन के द्वारा आपको ऊर्जा मिलता है। किस रूप में मिलता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलता है, प्रोटीन के रूप में मिलता है, वसा के रूप में मिलता है, है ना, इस रूप में मिलता है आपको, इस रूप का, है ना। इसका पाचन कहाँ होता है? तो आपका शरीर के अंदर होता है, है ना। इसका कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का पाचन कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? आपको शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन क्या करता है? तो प्रोटीन आपके शरीर को डेवलपमेंट करता है। ठीक है, वसा क्या करता है? तो आपको फैट बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब ये कहाँ होता है? तो शरीर के अंदरवा होता है, अंदर में आपका होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट समझते हैं जल। जल को आप, जल आप जब लेते हो मुंह में तो क्या उसको चबाते हो? चबर नहीं ना, उसको आप गटक लेते हो, मतलब गट 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 पी जाते हो। तो कुछ चीज़ें आपके जल हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गया, ये इतने छोटे होते हैं, इनके जो कण होते हैं इतने छोटे होते हैं कि इसको आप चबाते नहीं हो, डायरेक्ट गटक लेते हो, गट 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 पी जाते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? ये इसका पाचन नहीं होता, इसका डायरेक्ट अवशोषण होता है, डायरेक्ट आप उसको अंदर ले जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पाचन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये दो तरीके से होता है, दो भागों में इसको बांटा गया है। जो आप भोजन करते हो इसको दो भागों में बांटा गया। पहला क्या है? ये आपका पहला आहार नाल, आहार नाल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। दूसरा क्या है? पाचन ग्रंथि है, पाचक ग्रंथि, इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। आहार नाल का क्या काम है? जो आप खनवा खाते हो ना, जितने जो खाना खाते हो तो जिस नाल में तुम्हारा, जिस नाल में वो भोजन रहता है पूरे समय तक उसको बोलते हैं आहार नाल। जिस नाल में आपका पूरा भोजन बिखरा हुआ रहता है उसको बोलते हैं आहार नाल। ठीक है, और पाचक ग्रंथि क्या करता है काम? ये जो है आप जो खाना खाते हो उसको साइड से, मतलब कि पचाने के लिए एंजाइम छोड़ता है, इधर से भी छोड़ने के लिए एंजाइम देता है ताकि आपका जो खाना खाए वो अच्छी तरह से पच जाए। यही काम करता है पाचक ग्रंथि, ये एंजाइम छोड़ता है। अब देखिएगा आहार नाल जो है, आहार नाल में ये छः जो नाम दिख रहा है आपको, छः नाम, यही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला क्या है? मुख, मुख गुहा है पहला। पहला क्या है? मुख गुहा, जो दिख रहा है आपको ये मुख, ये क्या है आपका? देखिए ऊपर में, अंदर में क्या है? ये गुफा जैसा है, गुफा, इसको बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। अब यहाँ से क्या आ जाता है? मुख गुहा के बाद आपका देखिए आ जाता है यहाँ पर, यहाँ पर एक नली निकलता है, उसको बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली।
सेकंड में क्या है ग्रास नली, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। यहाँ से फिर आपका आ जाता है नीचे इधर जो आपका ये पेट है, ये पेट की तरफ आ जाता है, इसको बोलते हैं अंदर की ओर अमाशय बोलेंगे, इसको अंदर की ओर अमाशय बोलेंगे, बाहर से उसको उधर बोलते हैं पेट बोलते हैं इंग्लिश में, स्टोमिक बोलते हैं। तो गणेश जी को आप देखे होंगे उसको क्या उनको क्या बोला जाता है, उनको लंबोदर बोला जाता है। तो जिनका लंबा है उधर उसको बोलते हैं लंबोदर, मतलब कि अमाशय अंदर से बोलते हैं बाहर से उसको उधर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं उधर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं उधर, अंदर से अमाशय और बाहर से इसको उधर बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता छोटी आंत, इसके बाद इधर से गया ना आपका पेट की ओर, फिर आपका छोटी आंत, छोटी आंत से आपका फिर बड़ी आंत हो जाएगा, फिर आपका निकल जाएगा गुदा की ओर, आपका भोजन निकल जाएगा। ये आपका थे, ये क्या था, आहार नाल था। आहार नाल कितने होते हैं, 6, जो आप भोजन करते हैं ये 6 माध्यम से आकर गुजरता है आगे। इसका समझते हैं पाचक ग्रंथि, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये आपको मतलब कि एंजाइम पैदा करता है, एंजाइम साइड साइड से देता है। लार ग्रंथि पहला है क्या, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो मुख में ही लार ग्रंथि पाया जाता है, टाइलिन, इसको लबड़ने का, खनवा को लबड़ने का काम कौन करता है, तो यही लार ग्रंथि करता है। जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि कहाँ होता है, तो ये होता है पेट में, अमाशय में होता है, ठीक है, पेट में आपका जठर ग्रंथि होता है। नेक्स्ट लीवर और पित्ताशय, लीवर और पित्ताशय क्या करता है, लीवर और पित्ताशय जो आपका शरीर के लेफ्ट साइड राइट साइड में देखिए होता है, राइट साइड में क्या होता है, लीवर होता है और पित्ताशय होता है, इसी से एंजाइम निकलता है जो शरीर जो खाना को पचाने का काम करता है। आगे है आपका कौन सा, अग्नाशय ग्रंथि, लेफ्ट साइड में होता है ये शरीर के, कहाँ पर, ये पेट के लेफ्ट साइड में होता है अग्नाशय ग्रंथि, ये भी क्या करता है, एंजाइम को छोड़ता है, खाना पचाने में मदद करता है। आगे है आंत ग्रंथि, आंत ग्रंथि कहाँ होता है, तो ये जो होता है आपके जो छोटी आंत बड़ी आंत देख रहे हैं ना, इसमें छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती है जिससे आपका एंजाइम निकलता है, उसको बोलते हैं आंत ग्रंथि, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं हम लोग फिगर के माध्यम से, फिगर के माध्यम से क्या है, देखिए मुख गुहा है, क्या है, जब खाना आप खाते हो तो मुख गुहा में जाता है, मुख गुहा से आपका फिर नीचे की ओर आता है, और नीचे आता है तो वो भी धीरे धीरे आता है, हड़ास मल नीचे नहीं गिर जाता है, धीरे धीरे आता है ना, मतलब जल्दी से गिर जाएगा तो पेट में चोट लग जाएगा ना, इसलिए धीरे 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 करके आता है, ठीक है। तो धीरे धीरे खाना आ गया, खाना कहाँ पर आता है, फिर आपका अमाशय में आता है, मतलब कि पेट में पहुँचता है। पेट के बाद कहाँ होता है, पेट में, देखिए पेट में ही राइट साइड में क्या होता है, लीवर होता है, और यहाँ पर ही पित्ताशय होता है, यहाँ से एंजाइम इसको मिलता है, ठीक है, एंजाइम छोड़ता है वो, और फिर यहाँ राइट साइड में क्या होती है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, अग्नाशय, यहाँ से भी क्या छोड़ता है, एंजाइम आपको दिया जाता है। फिर ये फिर भोजन कहाँ आता है, फिर आपका छोटी आंत में आता है, छोटी आंत से फिर कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत से आपका फिर गुदा के रास्ते, मतलब कि आपको लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो ये तो थी आपके पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज, ये नॉलेज बहुत ज़रूरी था आपके लिए। और कल जो मैं वीडियो लाऊंगा आप लोग को, ये मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, ये सबको पूरा डिटेल में कल जाने, ये सबका कार्य क्या है, ये कौन सा काम करता है, सबको डिटेल में कल हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे आप दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए करते हैं, धन्यवाद।